आई है, जो तुम्हारी आवाज बन के गली गली कूचे कूचे बोलता रहा है, आज अगर तुमने उसे ना कबूल किया, आज अगर तुमने उसे ठुकरा दिया, तो आने वाली सदियों में जब तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि एक तानाशाह मुल्क को बर्बाद कर देना चाहता था, तब तुम क्या कर रहे थे, तब शायद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे बीच में पुड़िया छोड़ी जाएगी, तुम्हारे बीच में फतवे आएंगे, तुम्हारे बीच में यह समझाया जाएगा, लोग लगाए जाएंगे, टीम लगाई जाएगी, ये कहा जाएगा कि नहीं, इन्होंने तो इनके लिए अपील कर दी, उन्होंने तो उनके लिए अपील कर दी। तो मुरादाबाद वालों सवाल जरूर पूछना कि अपील करने वाले लोग तब कहां थे जब जंतर मंतर पर नजीब की मां चीख चीख करके कह रही थी कि मेरा बेटा कहां है। उनसे पूछना जरूर कि ये अपील करने वाले लोग कब कहां थे जब ट्रेन में हाफिज जुनैद को कत्ल किया जा रहा था। ये अपील करने वाले लोग कब कहां थे जब 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां पहलू खान की चीख रही थी, तब कहां थे ये लोग, पूछना जरूर। मुझे तुमसे सवाल करना है, मुझे तुमसे ये कहना है कि ये फतवे, ये अपीलें, ये पुड़िया, ये पर्चे, इनसे उबर जाओ, इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है। मुरादाबाद वालों मेरे अपनों, ऐसे लोगों को चुनो जिन्हें पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इस बात का खौफ ना रहे कि पार्टी क्या सोचेगी, हमारा नेता क्या सोचेगा, मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुरादाबाद की आवाम क्या सोचेगी। मेरी जवाबदेही मुरादाबाद के लिए है, मेरी जवाबदेही किसी और के लिए नहीं रहेगी, मेरी जवाबदेही सबसे पहले मुरादाबाद की आवाम के लिए रहेगी। मुरादाबाद वालों मेरे अपनों, मैं अपनों ही कहूंगा आपको, आप चाहे जो फैसला करें, मैं आपसे बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। बड़ी सुकून की जिंदगी थी, ड्रिप लगी हुई है पिछले 4 दिन से, मुसलसल यहाँ से छुट्टी मिलती है, जनसभाओं के बाद 2 घंटे, जनसंपर्क के बाद तो 1 बजे 2 बजे डॉक्टर के पास जाता हूँ, इंजेक्शन लेता हूँ, ड्रिप लगवाता हूँ, उसके बाद सुबह 8 बजे फिर गलियों गलियों कूचों कूचों की खाक छानने निकल जाता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्यों कर रहा हूँ? मुझे अल्लाह ने बहुत शोहरत दे रखी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आज मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इस जंग में कूद पड़ा हूं तो इसका मतलब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मुझे तुमसे सवाल करना है, मुझे सवाल करना है, मैं चुनाव हारो या जीतो लेकिन इस तरह की बात मत करो, मरने की बात मत करो। लेकिन मैं क्या कहूं, मैं इतना कह रहा हूं कि मैंने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, मैं पिछले 8 साल से 10 साल से आपके लिए लड़ रहा हूं, लोगों के इल्जाम झेलता हूँ, लोगों के ताने सुनता हूँ, मैं चाहूँ तो जुल्फाचल और लबो रुखसार की शायरी करके भी वही इज्जत कमा सकता हूँ, लेकिन मैंने अपना खून दिया जंतर मंतर पे अपनों के लिए। जब मॉब लिंचिंग के शिकार लोग 50 से ज्यादा तुम्हारे लहूलुहान लोग मारे जा रहे थे, तब पूछो कि ये लोग पार्टियां कहां थी, ये नेता कहां थे, कौन जा रहा था पहलू खान के घर, कौन खड़ा था नजीब की मां के साथ, कौन खड़ा था
बहुत चंद लोग हैं जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्हें भी नहीं बचा पाओगे तो कल कौन बोलेगा तुम्हारे लिए? ये तुम्हें फैसला करना पड़ेगा तुम्हें, इसमें तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मकसद बड़ा होता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है मुरादाबाद वालों। ये मकसद बहुत बड़ा है, ये मकसद तुम्हारी आने वाली नस्लों का है। मुझे तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनानी है, मुझे तुम्हारे आईएएस आईपीएस बच्चों के लिए फ्री कोचिंग बनानी है, मुझे हिंदुस्तान के हर मजलूम इंसान की आवाज पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलनी है। आप सिर्फ मुरादाबाद के लिए सांसद नहीं चुनेंगे, आपको नहीं पता है कि हिंदुस्तान के हजारों बेजुबान लोग, हजारों मजलूम लोग मुरादाबाद वालों नमाजों में दुआएं कर रहे हैं कि तुम सही फैसला करोगे, तुम इमरान को पार्लियामेंट पहुंचाओगे। मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे इन आंसुओं की लाज रखना, ये आंसू झूठे नहीं है, ये जबान झूठी नहीं है, मेरा दिल सच्चा है। मैं अल्लाह की दरगाह में खड़ा होकर ये कहता हूँ कि इस आवाज को कमजोर मत पड़ने देना, बरगलाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें बहकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इलेक्शन मैंने उसकी जात पे छोड़ रखा है। लोग कह रहे हैं उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास गाड़ियां नहीं है, उसके पास धन दौलत नहीं है, बंदूकें नहीं है, गोलियां नहीं है, मेरे पास ईमान की ताकत है, मैं उसकी बुनियाद पे लड़ रहा हूँ, मैं उसकी बुनियाद पे लड़ रहा हूँ। अब मेरे इस धर्म को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, मेरी सांसों में जलती बारूद है तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। मुरादाबाद वालों, तुम्हारे कारोबार चौपट किए गए, यहाँ के कारीगरी यहाँ के कारीगरों पर पहले नोटबंदी करके उनकी कमर तोड़ी गई, जब ऊंट से काम नहीं बना तो जीएसटी लगा के तुम्हारा कारोबार बर्बाद कर दिया गया। मुझे सवाल उठाना है पार्लियामेंट में, मुझे राहुल जी के प्रधानमंत्री बनते ही उनके कुर्ते का दामन पकड़ के उनसे कहना है कि मुरादाबाद वालों का हक ज्यादा बनता है, क्योंकि मुरादाबाद में बहन प्रियंका दीदी की ससुराल है, ससुराल का हक ज्यादा बनता है।